हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2, चैप्टर नेम फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, एक्सरसाइज 2.5, क्लास 7, क्वेश्चन नंबर 3। प्रीवियसली वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड इन किलोमीटर। फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दिस 5 सेंटीमीटर इन मीटर, देन दैट मीटर वी डायरेक्टली कन्वर्ट इन किलोमीटर। अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट। वी आर गोइंग टू सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर इन मीटर, करेक्ट? फर्स्ट इट इज गिवन 5 सेंटीमीटर इन मीटर। सो दिस इज फर्स्ट वन टू कन्वर्ट 5 सेंटीमीटर इन मीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। वी नो दैट 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मीटर। वी हैव टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इन मीटर। सो फर्स्ट दिस कन्वर्ट 100 सेंटीमीटर इनटू 1 सेंटीमीटर। सो वी नो दैट 1/100 मीटर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। मीन्स if we want to convert any centimeter in meter, we divide the number by 100, correct? So what we have to convert? 5 centimeter we have to convert. So we divide 5 centimeter by 100. So 5 centimeter equals to 5 divided by 100 meter. So what we got? 5 centimeter equals to दिस, ये 5 के लिए एक जीरो कैंसल, बचा एक जीरो, तो यहां पे आया 5 एक जीरो, सो दिस जीरो, और फॉर दिस 1 वी यूज पॉइंट, सो इट इज 0.05 मीटर। 5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.05 मीटर। व्हेन वी कन्वर्टेड सेंटीमीटर इन मीटर वी गॉट 0.05, और डेसिमल के इस तरफ हम हमेशा एक जीरो लेते हैं। सो दिस इज फर्स्ट वन। नाउ द क्वेश्चन सेज कन्वर्ट मीटर इन किलोमीटर। We have to convert meter in kilometer. So we know that 1000 meter equals to 1 kilometer. We have to convert meter. Now we have to convert meter in kilometer. So 1 meter equals to 1/1000 kilometer. Correct? Now what we have to convert? We have to convert 0.5 meter. So if we want to convert meter to kilometer, we have to divide the number by 1000. So what is here? 0.05 meter. So 0.05 meter equals to 0.05 divided by 1000. So see, 10 is already there. 10 is already at two numbers. यहाँ पे 10 for this point, यहाँ पे point is here, correct? And this two digits are here. और here upon 1000 it is. So what we will do? This 1000 we will put this 3 zeros. For this 30 we will put 30 here and we shifted the decimal to further, correct? What we will do? Here already decimal is there. If decimal is not there, then we will convert it into decimal. But here decimal is already there. So here what we will do? We will shift the decimal 3 times. Why? Because 3 zeros are there. So what we will do? This will got 0.3 zeros are there. So 000. After that 05. So 05 kilometer. So this is the answer. We converted meter into kilometer. First we converted centimeter into meter, then we converted meter in kilometer. So this one is the answer. Understood first one? Now this second one is your homework. This one, correct? Let us move on to next question. Express in kg. So we know that 1 kg equals to 1000 gram, correct? It means 1 gram equals to 1/1000 kg. Means if we want to convert gram to kg, we have to divide it by 1000. हमको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा. सो हियर व्हाट वी हैव टू कन्वर्ट 200 ग्राम, वी हैव टू कन्वर्ट ग्राम इन केजी. सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड 200 डिवाइडेड बाय 1000.
सो सो 200 डिवाइडेड बाय 1000, सो दिस जीरो कैंसल्स. व्हाट वी गॉट 2/10. इट मींस व्हाट? फॉर दिस 2 एंड 0 दे बोथ विल कैंसल. व्हाट वी गॉट? फॉर 1 वी विल यूज पॉइंट. 2 एंड 0 वन डिजिट कैंसल. व्हाट वी गॉट? वी गॉट फॉर 1 वी यूज पॉइंट. सो व्हाट वी गॉट? 0.2 kg. दिस इज फर्स्ट वन, करेक्ट. अब हम जब भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे आप ध्यान रखिएगा इसको. व्हाट यू विल डू? यू विल डायरेक्टली कट जीरो. ये जो जीरो, जैसे पहले डिजिट और जीरो, हमेशा हम देखते हैं कि पहले डिजिट और जीरो को हम हटाते हैं. नेक्स्ट हम काउंट करते हैं दैट हाउ मेनी जीरोस विल कम. ओके, आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू? नाउ कम टू नेक्स्ट वन. दिस वन इज योर होमवर्क. कम टू नेक्स्ट वन. हियर हाफ पोर्शन इज ऑलरेडी इन केजी एंड हाफ पोर्शन इज ग्राम. सो इन द क्वेश्चन इट सेज कन्वर्ट इट इन केजी. सो हाफ पोर्शन इज ऑलरेडी इन केजी एंड हाफ पोर्शन इज इन ग्राम. सो व्हाट वी विल डू? वी विल कन्वर्ट दिस हाफ पोर्शन इन टू केजी. सो सेम प्रोसेस, 4 kg प्लस, वी नो दैट वी डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम. टू कन्वर्ट ग्राम इन केजी वी डिवाइडेड बाय 1000. सो 8 डिवाइडेड बाय 1000. सो व्हाट वी गॉट? 4 kg प्लस दिस 8 और ये फर्स्ट जीरो कैंसल. देन हाउ मेनी जीरोज आर लेफ्ट? 2. सो राइट 8. आफ्टर दैट हाउ मेनी जीरोज आर लेफ्ट? 1, 2. फॉर दिस 1 वी आर यूजिंग पॉइंट एंड 10. मीन 0.008 दिस कंप्लीट केजी. नाउ एड 4 kg एंड 0.008 kg. सो व्हाट वी गॉट? 4.008 kg. गॉट इट? नाउ लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इन एक्सपांड फॉर्म. एक्सपांड फॉर्म मीन्स हमको उसको, वी हैव टू राइट दिस वन इन एक्सपांडेड फॉर्म. वी हैव टू एक्सपांड इट एंड राइट. सो ऑलवेज रिमेंबर डेसिमल. On the left hand side decimal, this is ones, this is tens, correct? This is ones, this is tens. We multiply ones by one, we multiply tens by ten, understood? But on the right hand side, we counted tenth hundred. We started from tenth, ones is not there, we started from tenth, th, tenth, T-E-N-T-H, hundredth, th, understood this one? Or this side we are, here we are multiplying and here we are dividing, correct? So I am explaining you how. 2. Here it is. First we are taking left hand side. So this 0 ones and this 2 tens. So 2 into 10 plus 0 into 1. Correct? Plus. Now we are moving. Now left hand side is over. Now we are coming right hand side. So what we will write here? 0. So first we start with 10th, then 100. So 0 into 1 upon 10 plus 3 into 1 upon 100. So this is expand form. Same for the second one. For the left hand side, this is ones, this is tens, this is 100. We multiply. So 2 into 100 plus 0 into 10 plus 0 into 1. Correct? Plus. Now we are coming to left hand side. Correct? So here it is 10th. Here it is 100th. So what we will do? And here we will do divide. So 0 into 1 by 10 plus 0 plus 3 into 1 by 100. Correct? So always remember, left hand side multiply, right hand side divide. Understood? Now let us move on to next question. The remaining questions of this one is your homework. Now let us move on to next question. Write the place value of 2 in the following. Correct. Write the place value of 2 in the following. So, if it is on left hand side, then it is 1s, 10s, 100. If it is on right hand side, then it is 10th, 100th, 1000th. It is like this. TH, TH will be added. So, here the place value of 2 is what? 1s. So, 2 into 1. So, we will write 2 1s. This is the place value. Now, come to second one. Here it is 2. So, 1s, 10s. So, 2 into 10. So, we will write 2 10s. Correct? Now, come to next one. Here it is in the left hand side. So, it is 10th, 100th, 1000th. TH. Correct? So, 2 into 1 by 1000 we will write, because we know that if it is in the left hand side, then it is multiply. If it is in the right hand side, then it is divide. So, what we will write? 2 thousand, T-H-O-U-S-A-N-D-T
H. Always remember when it is on the right hand side. Correct. When it is on the right hand side, that time we divide. When it is on the left hand side, that time what we will do? We will multiply. Or always remember when we divide, then TH added. TH added. Okay. Now the remaining questions of this are also your homework. So this is for today. Okay. If any doubt, then ask. Thank you.